तो हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट वन, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे आईयूपीएसी नेमिंग पार्ट टू। जीओसी पार्ट वन और उसमें पार्ट एक जो डिस्कस करेंगे आईयूपीएसी एक नेमिंग। पढ़े हो ना बचपन में, थोड़ा बहुत टेंथ में पढ़े हो गए ऐसा सिलेबस में, ठीक है ना? पिछले साल तो तुम लोग पढ़े हो गए टेंथ में, इस साल हट गया था पार्ट ए। क्या नेम होता है आईयूपीएसी का फुल फॉर्म? फुल फॉर्म फुल नेम इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एप्लाइड केमिस्ट्री। वेरी गुड। पार्ट ए ये बिल्कुल नया होगा तुम्हारे लिए पार्ट भी, नाम भले सुन लियो, आइसोमेरिज्म, ठीक है ना? सम बेसिक जो तुम्हारे चैप्टर का नाम टेक्निक एंड प्रिंसिपल for quantity and qualitative analysis of organic compound। ये जो चैप्टर का नेम है वो, ठीक है ना? इसके अंदर जैसे पार्ट वन में ये डिस्कस करेंगे हम लोग पूरा, ठीक है? उसके बाद ऑर्गेनिक डिस्कशन जैसे पार्ट टू। जिसमें फर्स्ट रिएक्शन इंटरमीडिएट सेकेंड इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट रिएक्शन मैकेनिज्म हाइड्रोकार्बन अलग सी। ऑर्गेनिक में तीन चैप्टर डिस्कस करना हम लोग को, ठीक है ना? इतना में आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है? 30 से 10 से 15 दिन लगने वाला है, हफ्ता भर इसमें लगेगा। हाइड्रोकार्बन ज्यादा दिन का नहीं है, ये भी हफ्ता भर में हो जाएगा। तो ये फ्लो चार्ट बना लो, एक एक करके डिस्कस करते हैं सबको, ठीक है ना बच्चा लोग? तो डिस्कस करेंगे जीओसी पार्ट वन, तो आईयूपीएसी नेमिंग देखना हम लोग को। कॉन्सेप्ट एंड रोल ऑफ आईयूपीएसी नेम, तो पहले कुछ बेसिक टर्म्स हैं उनको समझ लेते हैं, बार बार वो चीजें रिपीट होंगे, इसलिए सम बेसिक टर्म्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, सम बेसिक टर्म्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है ना बच्चा लोग?
पहले हाइड्रोकार्बन क्या होता है? तो क्या होता है हाइड्रोकार्बन बच्चों, नाम सुने? हाइड्रोजन कार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन का मिक्स। हेडिंग है वही, उसका डेफिनेशन समझ लो, द कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, है ना भाई, इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। द कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। इसके अंदर दो कर लेते हैं भाई टाइप, एरोमेटिक एलिफेटिक, एक मिनट, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, इस वाला कॉपी तो ना सुन, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, इसके अंदर एल्केन साइक्लिक नॉन साइक्लिक, इसके अंदर भी सेम यही दो पॉइंट, साइक्लिक नॉन साइक्लिक, नॉन साइक्लिक के अंदर एल्किन एल्काइन, साइक्लिक के अंदर एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक के अंदर साइक्लो एल्किन साइक्लो एल्काइन, एरोमेटिक के अंदर बेंजीन बेंजेनॉइड, एरोमेटिक हेट्रो एरोमेटिक, साइक्लिक के अंदर यहाँ पे साइक्लोएल्केन एल्केन, और नॉन साइक्लिक के अंदर एल्केन, ठीक है ना। तो ये क्लासिफिकेशन अपने सुविधा के हिसाब से मतलब थोड़ा सा सिंपल पड़ता है इसलिए। तो हाइड्रोकार्बन को हम लोग टू कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, ठीक है। अनसैचुरेटेड के अंदर भी फर्दर टू टाइप, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक, सैचुरेटेड के अंदर भी। नॉन साइक्लिक में एल्किन एल्काइन, और साइक्लिक के अंदर क्या आएगा, साइक्लो एल्किन साइक्लो एल्काइन, और एरोमेटिक के अंदर आता है बेंजेनॉइड एरोमेटिक एलिफेटिक, ठीक है ना। तो इस चीज को याद रखा करो, एलिफेटिक नहीं हेट्रो एरोमेटिक, इस चीज को याद रखना। सैचुरेटेड को आप उसमें बोल सकते हैं एलिफेटिक भी, ठीक है ना। तो ये छोटा सा क्लासिफिकेशन नोट कर लो, हाइड्रोकार्बन चैप्टर में इसको एक बार और देखेंगे, तो फिलहाल अभी इतना नोट कर लो। अब इसमें जो एक टर्म से सबको डिस्कस करते हैं भाई क्या है, और उनसे रिलेटेड डेरिवेटिव भी। तो सबसे पहले हाइड्रोकार्बन, तो अभी कुछ पहले बताया डेफिनेशन हाइड्रोकार्बन का क्या होता है भाई, कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, द कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब बात आता है एल्केन, बचपन में पढ़ चुके हो भी, पहले सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, तो कंपाउंड और हाइड्रोजन के, कार्बन और हाइड्रोजन का कंपाउंड होगा, लेकिन सैचुरेटेड है तो सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है ना भाई। द कंपाउंड
of carbon and hydrogen, the compound of carbon and hydrogen, but it contain only sigma bond between carbon or single bond between carbon. The compound of carbon and hydrogen, but it contains only sigma bond between carbon and single bond between carbon is called saturated. Hydrocarbon is called saturated hydrocarbon. तो अनसैचुरेटेड को आइडिया लगा सकता है किसके बारे में बात कर रहे होंगे हम? डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, पाई बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड होगा। द कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, द कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन विच कंटेन सिग्मा बॉन्ड as well as pi bond between carbon or तो pi bond आने से double bond बनेगा या triple bond बनेगा? Double और triple bond between carbon is called unsaturated. Hydrocarbon. तो याद रखना भाई, S से क्या होता है? S for single और S for saturated. इस तरह से लिंक क्या रहेगा ना भाई? Saturated मतलब कौन से कितने बॉन्ड होंगे भाई? कार्बन किस टाइप के बॉन्ड होंगे? Only sigma. तो याद रहेगा कि नहीं रहेगा भाई? S for saturated, S for single, ठीक है ना? तो कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हुआ तो सब क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगर सिंगल बॉन्ड की जगह पे डबल बॉन्ड आ रहा है, मतलब पाई बॉन्ड आ रहा है, तब उसे हम क्या करेंगे? कहेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है ना बच्चा लोग, जल्दी से नोट कर लो। नोट डाउन करो बच्चा लोग। अब सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड तो पता चल गया। अब अनसैचुरेटेड के अंदर सैचुरेटेड के अंदर भी कुछ टाइप्स हैं। तो सबसे पहले इकट्ठे एक साथ ही देखेंगे एल्केन। तो एल्केन क्या होता है भाई? किसके अंदर था ये? सिंगल बॉन्ड, ठीक है ना? तो दिस टाइप हाइड्रोकार्बन contain carbon single bond. This hydrocarbon contain carbon single bond. ठीक है बच्चा। अब carbon single bond है तो इसका general form में क्या होता है भाई? क्या होता है? ये सब tenth में पढ़ते हो formula of एल्केन, CnH2n plus 2, यही होता है भाई। उसके बाद क्या है? एल्कीन। क्या होता है एल्कीन? डबल बॉन्ड। दिस टाइप हाइड्रोकार्बन, दिस टाइप
हाइड्रोकार्बन कंटेन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है ना। एंड जनरल फॉर्मूला क्या होता है इसका? जनरल फॉर्मूला दो हाइड्रोजन पर प्लस वन सी एन एच टू एन, ठीक है। उसके बाद क्या भाई? एल्काइन, तो एल्काइन क्या होता है भाई? ट्रिपल बॉन्ड। दिस टाइप हाइड्रोकार्बन कंटेन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। जनरल फॉर्मूला CnH2n माइनस ना, ये एल्केन एल्कीन और एल्काइन, क्लियर है। अब एरोमेटिक वर्ड भी सुने थे तो क्या होता है देख लेते हैं, डिटेल डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में, ठीक है ना। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन विच फॉलो एच यू सी के ई एल हकल्स रूल, ठीक है ना, इज कॉल्ड, उसमें हकल्स रूल में भी कैटेगरी है भाई, टू टाइप का होते हैं 4n plus 2pi। अब क्या है कैसा होता है ये हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे जब इलेक्ट्रॉनिक फेट डिस्कस करेंगे तब, फिलहाल अभी याद रखना है द कंपाउंड विच फॉलो 4n plus 2pi इलेक्ट्रॉन हकल्स रूल। इस कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड, तो जो हकल्स रूल को फॉलो करेगा 4n plus 2pi इलेक्ट्रॉन तो उसे हम बोलते हैं एरोमेटिक, ठीक है ना। बेस्ट एग्जांपल है अभी जो बहुत यूज होता है बेंजीन। पहले बोला जाता था एरोमेटिक वर्ड लिया गया एरोमा से, एरोमा मतलब जिनमें कुछ ना इस पर्टिकुलर स्मेल हो उससे, बट बाद में ऐसे कुछ कंपाउंड मिले जिनमें स्मेल नहीं है बट एरोमेटिक है, तो इसके लिए फिर ये रूल्स बना, उस रूल से बताते हैं हम लोग, ठीक है ना भाई। तो एक होता है हकल्स रूल, एक होता है क्रेग्स रूल, तो वो अभी आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो अभी जल्दी से इतना नोट करो एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में डिटेल, पूरे एक लेक्चर लगेगा कम से कम एक लेक्चर, तो वहां पे डिस्कस करेंगे डिटेल। अभी समझने लायक बस याद रखो, कल को कोई पूछे एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है तो डेफिनेशन पता होना चाहिए। जल्दी से नोट करो यहाँ तक। ये था एल्केन एल्कीन एल्काइन एंड एरोमेटिक कंपाउंड। अब आई पे एक नेमिंग करते समय एक टर्म्स आता है रूट वर्ड वाला, ठीक है ना। तो उस समय रूट वर्ड क्या होता है भाई देख लेते हैं, आर डब्ल्यू से करेंगे इसको रिप्रेजेंट हम। इट गिव्स आइडिया अबाउट नंबर ऑफ कार्बन, इट गिव्स आइडिया अबाउट नंबर ऑफ कार्बन इन रूट चेन और मेन चेन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब रूट चेन क्या है मेन चेन क्या है इसके लिए एक रूल्स पढ़ना पड़ेगा सिलेक्शन का, वहां पता चलेगा।
It gives idea about number of carbon in root chain or main chain of organic compound. तो कैसे आगे देगा नंबर ऑफ कार्बन, इनके लिए कुछ कोड यूज होता है. नंबर कार्बन 1, 2, 3, 4, 5, 6 रूट वर्ड आर डब्ल्यू. नंबर ऑफ कार्बन रूट वर्ड नंबर कवर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 आगे और भी होता है, बस इतना सा काम चल जाएगा हम लोग का, ठीक है ना. तो फर्स्ट कवर हुआ तो रूट वर्ड आता है मेथ, M-E-T-H, ठीक है ना. अगर दो हुआ तो पता चल गया होगा किसकी बात कर रहा हूँ मैं, एथ प्रो ब्यूटेन पेंट, ब्यूट, ठीक है ना. पेंट हेक्स हेक्स ऑक्ट ऑक्ट नॉन डेक, हाँ डेक एंड डेक दो डेक ट्राई डेक टेट्रा डेक पेंटा डेक हेक्सा डेक और ट्वेंटी के लिए 20, ठीक है ना भाई. बीआईसी तो इतना से ज्यादा का जरूरत नहीं पड़ेगा. तो इस तरह से मैथ है प्रो ब्यूट पेंट हेल्प हेल्प ऑफ नॉन डेक अनडेक डो डेक. फिर उसके बाद सफिक्स करके आता है प्राइमरी सफिक्स. ये सब कोड यूज होते हैं आईपैक नेमिंग में, डिटेल में हम लोग डिस्कस करें इसलिए ये सब नहीं होगा. तो यहाँ पे प्राइमरी सफिक्स पहले लगता है बाद में लगता है भाई, बाद में याद ना भाई. अगर कंपाउंड एल्केन है, फोर एल्केन, एल्केन है कैसे पता चलेगा, ये रूल को ये फॉर्मूले को फॉलो करेगा, फॉर एल्कीन, किस फॉर्मूले को फॉलो करेगा, फॉर एल्काइन. यहां पे लगता है एन, यहां पे लगेगा इन और यहाँ पे लगेगा आयन, ठीक है ना. तो एल्केन होता था तो मिथेन बोलते थे, एल्केन होता था तो क्या बोलते थे, इथेन. अगर कहीं भी डबल बॉन्ड आता था तब क्या लिखते थे भाई, प्रो प्लस इन प्रोपीन, ठीक है ना. अगर ट्रिपल बॉन्ड आता था तब प्रोपाइन प्रोपाइन. तो समझ में आया ये क्यों लगता था. तो हमारा रूट वर्ड ये होता था जो नंबर कावन बताता था, इसके साथ एन कब लगा था जब सिंगल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड आता तो क्या होता था इन हो जाता था, वो ट्रिपल बॉन्ड आता तो क्या जाता था आइन. ये प्राइमरी सफिक्स कहलाते हैं. क्या कहलाते हैं ये, प्राइमरी सफिक्स. तुमको याद रखना भाई रूट वर्ड प्राइमरी सफिक्स. अब साइड चेन एंड ब्रांचेस की बात करेंगे हम लोग, तो पहले इतना यहां तक नोट करो. नेक्स्ट हेडिंग है बच्चे लोग साइड ब्रांच और साइड चेन. यह सब्सिट्यूएंट चेन भी बोल सकते हो, ठीक है ना. एक ही मतलब है साइड ब्रांच साइड ग्रुप साइड ग्रुप में साइड ब्रांच साइड चेन या फिर सब्सिट्यूएंट चेन. तो इसमें वर्ड आता है एल्काइन, सॉरी एल्केन से एल्काइल, ठीक है ना. तो क्या होगा बच्चा लोग, एल्केन से हाइड्रोजन, एल्केन उसको क्या करना माइनस वन हाइड्रोजन बनेगा एल्काइल. तो जब वन हाइड्रोजन रिमूव जाएगा तो उसे हम क्या कहते हैं एल्काइल. व्हेन वन हाइड्रोजन रिमूव फ्रॉम एल्केन देन द ग्रुप ऑफ
साइड ग्रुप इज कॉल्ड या साइड बॉन्ड इज कॉल्ड एल्काइल. तो इसी को रिटर्न में भी कर सकते हैं भाई. इफ वन हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम एल्केन, if one hydrogen is removed from alkene, then side group is called alkyl. ठीक है ना, क्या कहने आएगा ये alkyl. Second, तो एक होता है alkene. सुने हो ना, सुने कि नहीं सुने हो? सुना है सर. तो एल्किन सब एक हाइड्रोजन रिमूव करना है, एल्किन माइनस वन हाइड्रोजन. तो ये पहला जगह एल्केनाइल, लास्ट में वाई को हटा के वाई एल. तो क्या होगा इसका डेफिनेशन? पे चलो, दैट मींस इफ one hydrogen is removed from alkene, then the group side branch, कर लेता हूं, side branch is called alkenyl. छोटे छोटे टर्म्स याद रहने चाहिए दिमाग में अच्छे से, बार बार यूज होते रहते हैं तो कंफ्यूज नहीं होना है. थर्ड, नेक्स्ट है एल्काइन से बना है. एल्काइन का ये होता है स्पेलिंग. अब वाई ई को हटा के लास्ट वाला वाई लगा देना है. ठीक है भाई, इफ वन हाइड्रोजन is removed from alkyne, then side branch is called alkenyl. तो कहने का मतलब क्या होगा, रिप्रेजेंट कैसे करूंगा, हम करेंगे हम इसे alkyne माइनस वन हाइड्रोजन इक्वल टू एल्किनाइल. ठीक है ना, इसको एल्केनाइल बोलता हूं बच्चा, और इसे एल्किनाइल. ये एल्किनाइल, और इसे बोल देंगे एल्किनाइल. तो ये बातों पर ध्यान देना, ठीक है सर? वहां एल्किनाइल चाहिए ना थर्ड वाले में. थर्ड वाले में तो एल्केनाइल, तो एल्केनाइल तो है, सही तो है स्टेटमेंट में. अच्छा, यहाँ पर स्पेलिंग तो याद रखना भाई. ठीक है, तो एल्काइल, एल्केनाइल, एल्केनाइल. वैसे साइक्लो एल्काइल होता है, तो साइक्लो एल्केन से एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ, तो साइक्लो एल्काइल. नोट करो पहले इसको, इधर देखते हैं, नोट आउट करो बच्चा लोग. चलो एग्जाम्पल देखते हैं. तो एल्केन मेथ प्लस एंड मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन. एक हाइड्रोजन निकालोगे सब, इसका फॉर्मूला क्या होता है, CH4. इथेन मतलब कितना कार्बन होगा बच्चा लोग, 2C2H6. प्रोपेन होते कितना कार्बन होगा, C3H8. यहाँ ब्यूटेन है तो CH4 हाइड्रोजन रिमूव हुआ तो फॉर्मूला क्या होगा, CH3. ये किसी से अटैच होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, C2H5. इसका फॉर्मूला क्या होगा, C3H7. कार्बन का इक्विवेलेंसी बच्चा वो कहीं से ऐड हो जाएगा. ठीक है ना, C4H9. ठीक है,
अब एल्किन बनाना है तो सब में सफिक्स क्या लगेगा बच्चा लोग? इन 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 इन, ठीक है। अब यहां पे कार्बन कितने होंगे बच्चा लोग? एथ है तो रूट वर्ड है तो कार्बन कितने होंगे? नहीं ना, टू होगा। प्रोप में थ्री कार्बन, ब्यूट में फोर, हेप्ट बोला है तो सेवन। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा एल्किन का बताओ तो? हाइड्रोजन कितने होंगे? फॉर्मूला क्या होता है? सी एन एच टू एन। तो क्या होगा फॉर्मूला बताओ? टू यहाँ टू कहाँ से? टू का डबल फोर, फोर ठीक है। थ्री का डबल कितना हो जाएगा? सिक्स। यहाँ पे कितना होगा? एट। यहाँ पे फोर्टीन। दिख रहा ना फॉर्मूला कैसे बनता है? क्लियर है कि नहीं? यस सर। H2N तो अप्लाई करने भी आना चाहिए, ये नहीं कि फॉर्मूला पता है, ये होता है बेसिक फॉर्मूला या जनरल फॉर्मूला, लेकिन उसके बाद अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। एक हाइड्रोजन रिमूव करना है तो क्या बनेगा यहाँ पे? इथेन से क्या बनता बच्चा? इथेन से इथेनाइल। इसमें क्या होगा? प्रो पेन होगा, ब्यूट। अब इसी में कहने बोलेंगे सर हम, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। बेटा समझने वाली बात यह है कि कार्बन इथ है तो बताया कार्बन टू होता है, प्रोप होता है तो थ्री होता है। ये फॉर्मूला है तो ये फॉर्मूला हम बना लिए, तीसरा फॉर्मूला बनाना चाहिए। हाइड्रोजन रिमूव किया तो ये बनेगा। तो सब में प्रीफिक्स क्या लगेगा? प्रीफिक्स बोलते हैं सफिक्स क्या लगेगा? लास्ट वाला ई हटेगा वाई एल, लास्ट वाला ई हटेगा वाई एल। दिख रहा है ना भाई? तो नेम क्या हो जाएगा इसका? इथेनाइल, प्रोपेनाइल, ब्यूटेनाइल, हेप्टेनाइल। तो ये क्या हो गया? एल्काइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप है ये सब? एल्काइल। ये क्या ग्रुप है भाई? एल्किनाइल, ठीक है। अब आने वाला जो ग्रुप है वो कौन सा होगा? एल्किनाइल। तो थ्री कार्बन का एल्काइन को क्या बोलेंगे बच्चा? कौन सा वर्ड लगेगा यहाँ पे? रूट वर्ड प्रीफिक्स, सॉरी प्रीफिक्स हो रहा। कौन सा प्राइमरी सफिक्स लगेगा? आइन। आइन आइन। कितने कार्बन है कैसे पता चला? प्रोप है तो कितने कार्बन होंगे बच्चा? थ्री। इसका जनरल फॉर्मूला क्या है? सी एन एच टू एन माइनस टू। तो कितना कार्बन होगा? थ्री। ब्यूट है तो कितने कार्बन होंगे बच्चा? फोर। पेंट है तो कितने कार्बन होंगे? फाइव। हेक्स है तो नंबर कार्बन सिक्स। अब यहां पे एच कितना होगा सब में बताओ? कितना एच होगा बच्चा? सिक्स। सिक्स डबल से दो कम। कहां से सिक्स? डबल से दो कम है ना, डबल हो जाएगा सिक्स, उससे दो कम फोर। डबल से दो कम, डबल कितना जाएगा? एट। एट से दो कम जाएगा सिक्स। डबल से दो कम है भाई तो टेन, टेन का से टू कम कर दो तो क्या हो जाएगा? एट। एट ट्वेल्व से टू माइनस डबल आ जाएगा और यहाँ जाएगा टेन। ये होगा फॉर्मूला। इनमें से क्या निकालना है? सब में से वन हाइड्रोजन, वन हाइड्रोजन, वन हाइड्रोजन, वन हाइड्रोजन। क्या नेम पड़ेगा इसका? प्रोपीनाइल, ब्यूटीनाइल, पेंटीनाइल और हेक्सी। सब में वायल क्या लग रहा है यहाँ पे? वायल 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 वायल। इसका भी फॉर्मूला पता चल गया क्या होगा भाई? इसका फॉर्मूला क्या था? सी टू एस थ्री। इसका फॉर्मूला क्या होगा? सी थ्री एच फाइव। इसका फॉर्मूला क्या होगा? सी फोर एच एट, एच एट नी एच सेवन। इसका फॉर्मूला क्या होगा? सी सेवन एच थर्टीन। इसका फॉर्मूला क्या है?
C3H3, C4H5, C5H7, C6H9। इस तरह से फॉर्मूला याद होता है, ठीक है ना भाई? लेकिन आपको रूट वर्ड पता होना चाहिए तब। नोट डाउन करो जल्दी, और आज इतना ही देखते हैं ना बच्चा लोग, यहीं पे करेंगे साहब। बाकी के जो बेसिक टर्म्स है नेक्स्ट लेक्चर में।